तथा उपस्थित मेरे धर्म प्रेमी बंधुओं तथा मेरी माताओं, मेरी बहनों, आप सभी का प्रातः काल की इस धर्म सभा में तथा आत्मा को परमात्मा बनने की ओर प्रेरित करने वाली दिव्य कथा महावीर कथा में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप सभी के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूँ। अपने अपने सौभाग्य की सराहना करते हैं। महावीर की ये पवित्र कथा चाहे कोई सुनाने वाला हो, चाहे कोई सुनने वाला हो, कहने वाला हो या सुनने वाला हो, चाहे वक्ता हो चाहे श्रोता हो, ये कथा दोनों के लिए ही मंगलमय है। क्यों? क्योंकि महावीर स्वयं मंगल रूप है। मंगलम भगवान वीरो, स्वयं मंगल रूप है। इनको सुनने से भाव में मंगलता आती है, भाव में पवित्रता आती है। इस कथा को सुनने से हमें हमारे ही दोष नजर आने लगते हैं, हमें हमारे ही कर्तव्य का बोध होने लगता है। महावीर की कथा वास्तव में बड़ी पवित्र कथा है। मैंने महावीर कथा कई बार की है, लेकिन जितना आनंद इस महावीर भवन में आ रहा है, और इतने लंबे काल तक मैंने महावीर की कथा कभी सुनाई नहीं, आपको कितना रस आ रहा है ये मैं नहीं जानता, क्योंकि तो आपकी उपस्थिति बतलाती है कभी कभी कि रस नहीं आ रहा होगा। लेकिन आप सभी की मेहरबानी से मुझे परम आनंद की अनुभूति हो रही है, इसके लिए मैं आप सभी का कृतज्ञ हूं। जो भी ऑनलाइन सिस्टम से जुड़े हुए मेरे बहन और भाई हैं, उन सभी के लिए भी मैं हार्दिक आभार देता हूं, उनका हार्दिक स्वागत करता हूं कि समय निकालकर महावीर की एक प्यारी कथा सुनने को आप आतुर रहते हैं। दूर दूर से जो रिस्पॉन्स मिलते हैं, जो कमेंट्स आते हैं, वो कहीं ना कहीं मेरे आत्मविश्वास को भी बढ़ाते हैं और प्रभु महावीर के प्रति जो भक्ति है उसमें वृद्धि करते हैं, बढ़ोतरी करते हैं। इसलिए सभी जो सुनने वाले श्रोता हैं, कईयों के इतने गजब के कमेंट्स आते हैं कि हमारे जीवन में जो परिवर्तन आ रहा है इस कथा को सुनने के बाद, वो वास्तव में बड़ा प्रशंसनीय लगता है। मुझे ऐसे लगता है कि मैं सही दिशा में जा रहा हूं। अगर महावीर आपके जीवन से होते हुए आपके घर में आ रहे हैं, आपकी वाणी में आ रहे हैं, आपके आहार में आ रहे हैं, आपके विचार में आ रहे हैं, आपके व्यवहार में आ रहे हैं, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? इससे बड़ा पुरस्कार आपकी ओर से मुझे क्या मिल सकता है? ये वो पुरस्कार है जिसे मन चाही दौलत देकर के भी खरीदा नहीं जा सकता। तो जिन जिन के जीवन में बदलाव आ रहा है, उन सभी के प्रति मैं कृतज्ञ हूं, आभारी हूं। महावीर कथा को सुनने का एक ही लाभ हो सकता है कि महावीर की कथा सुनते सुनते हमें
अपने आत्म भावों की, यानी आपका क्या स्वभाव है, उससे परिचय होता चला जाए। आपसे क्या क्या गलतियां हो रही हैं, उन गलतियों का पता लगता चला जाए, कथा सार्थक हो जाएगी। पता ही नहीं लग जाए, बल्कि उस बुराइयों से हम धीरे धीरे यथासंभव जितनी हिम्मत है उतना हम दूर होते चले जाए। महावीर की कथा सुनते सुनते जो भी परिवर्तन आपके अंदर या हमारे अंदर आएगा, वो इस बात का प्रमाण पत्र है कि हमने महावीर को मुक्ति से अपने हृदय में विराजमान कर लिया है। वह हमारे मन मंदिर की शोभा है। वो महावीर एक ऐसा महावीर है जिसे हम अपना दिल दे सकते हैं, अपना मन समर्पित कर सकते हैं, अपने मन मंदिर में उस वर्धमान को स्थापित कर सकते हैं। ये वर्धमान इस रूप में भी आना चाहिए हमारे जीवन में कि हमारे अंदर अच्छाइयां बढ़ें। वर्धमान का मतलब है बढ़ना। वर्धमान तब सार्थक होगा जब हमारे अंदर सद्गुणों की अंदर बढ़ोतरी हो, बुराइयों में घटोत्री हो, मोहनीय कर्म कमजोर हो, मैत्री भाव मजबूत हो। राग द्वेष कम हो, संप्रदायवाद कम हो, धर्म का प्रभाव ज्यादा हो, धर्म की अनुभूति ज्यादा हो, मानवीय स्वभाव का ज्ञान ज्यादा हो, आत्म भाव में रमन करने का अभ्यास हो, प्रयास हो, पुरुषार्थ हो, यही असली समायिक है, यही असली प्रतिकर्मण है। आपके जीवन में जो ये सकारात्मक परिवर्तन आएगा, पॉजिटिव चेंज आएगा, ये चेंज बताएगा कि आपने प्रभु को अपने हृदय में प्रतिष्ठित किया। जब कभी भी ही मैं वर्धमान के बाल रूप को निहारता हूं और उनकी गतिविधियों के ऊपर जब सोचता हूं, गतिविधि यानी बाल अवस्था के अंदर, किशोर अवस्था के अंदर, युवा अवस्था के अंदर, ये तीन पड़ाव हैं। महावीर ने भरपूर जवानी देखी है 30 वर्ष की, यानी 30 वर्षों तक वो कहां रहे हैं और उन्होंने क्या क्या किया है आप देखते जाओ। अपने माता पिता को आखिरी वक्त में 15 दिन का संथारा करवाया है और किस तरह उनको सहजता के साथ राज्य संचालन के प्रति निराशक्ति का भाव जगाया है। किस प्रकार उन्होंने अपने माता पिता को मोहनीय कर्म से दूर हटने की प्रेरणा दी है। ये तो माता पिता के आखिरी वक्त में, और शायद मुझे लगता है कि अपने इस कर्तव्य को निभाने के लिए भगवान महावीर ने माता पिता की मृत्यु के बाद ही दीक्षित होने का सोचा हो कि वो बेटा ही क्या जो अपने माता पिता के भाव सुधार कर या संथारा पूर्वक इस संसार से विदा न करवाए। क्या रूप रहा है उनका, वास्तव में अद्भुत रहा है। वो एक गजब के तीर्थंकर ही नहीं, एक गजब के माता पिता भी, एक गजब के माता पिता भी बने हैं, पुत्र भी बने हैं, पति भी बने हैं। दिगंबर मान्यता वो उनका पति का रूप तो स्वीकार नहीं करती है, लेकिन श्वेतांबर मान्यता उनको पति रूप में भी स्वीकार करती है। और पति का रूप भी बड़ा बखूबी निभाया है, और यशोदा ने पत्नी की भूमिका भी बड़ी गजब की निभाई है। पत्नी हो तो ऐसी हो, पति हो तो ऐसा हो, मतलब हर रूप के अंदर भगवान महावीर इतने डूबे हैं, हर रूप को इतना जिया है, शिद्दत के साथ जिया है,
असली रूप क्या होता है, एक बालक का पुत्र का क्या रूप होता है यह पता चलता है, एक राजकुमार की कैसी मनस्थिति रहनी चाहिए यह पता चलता है, एक राजकुमार के लिए अपनी प्रजाजनों का क्या स्थान होना चाहिए यह पता चलता है। आप आश्चर्य मानोगे, उन्होंने भरी जवानी के अंदर पूरे गण राज्यों की पद यात्रा की है, पद यात्रा हर गांव गांव तक गए हैं, हर जन का हर किसी का दर्द देखा है, कहीं उन्होंने रथ से यात्रा की है, कहीं उन्होंने पैदल यात्रा की है, हर दर्द को महसूस किया है। क्या मैं तो सचमुच कभी कभी भगवान महावीर के जीवन को देखता हूं तो रोने लग जाता हूं, कहीं ना कहीं तो मुझे ये होने लगता है कि प्रभु तुम्हारा बनकर के मेरा जन्म सफल हो गया। तुम्हारे साथ कोई ना कोई संयोग लिखा था कि हम आपके जिन शासन में दीक्षित हो गए, हम आपके जैसे तो नहीं बन सकते, लेकिन आपके उपदेशों को मैं जनता तक पहुंचाने का भरसक प्रयास करूंगा और जितना संभव हो सका मैं खुद पर उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं पूरी तरह निर्दोष तो नहीं बन सकता, मैं पूरी तरह वीतरागी तो नहीं बन सकता, लेकिन जहां तक संभव हो सका अपने मानसिक संतुलन को बनाने का प्रयास करूंगा। पता नहीं आप लोगों के मन में कभी यह महसूस होता है या नहीं होता है कि मेरा कितना सौभाग्य है कि मुझको जिन शासन में जन्म लेने को मिला। मुझे तो यह सौभाग्य तो मुझे मिला ही नहीं, तुम्हें मिला यह जन्म, हमारे उपाध्याय भगवान को नहीं मिला यह सौभाग्य कि हमको बचपन से ही नौकार मंत्र मिला हो सुनने को, लेकिन आपको तो मिला है ये। जब भी किसी का कभी कभी तुम बुरा करते हो, उस समय कभी कभी सोच तो लिया करो कि मैं कौन हूं, मैं किसका अनुयायी हूं, मैं ये समाय किस लिए करता हूं, ये मैं प्रतिक्रमण किस लिए करता हूं, मैं महामंत्र नौकार की आराधना किस लिए करता हूं। अगर एक बार भी अगर आप ईमानदारी से अपने जीवन का अवलोकन करते चले जाओ और महावीर से जुड़ते चले जाओ तो क्या गजब का परिवर्तन आएगा। और यह केवल आपके लिए नहीं है, मैं समस्त जैन संत और साधुओं के लिए भी बोल रहा हूं कि उनका सौभाग्य तो आपसे भी ज्यादा है कि उनको जिन शासन में दीक्षित होने का भी मौका मिला है, और हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए यह हमको भी पता रहना चाहिए। समाज के बिगड़ते हुए संतुलन को सुधारने में एक साधु और साध्वी की क्या भूमिका होनी चाहिए यह ज्ञान हमको भी होना चाहिए। हमें महावीर से जुड़ के रहना चाहिए, ना कि किसी संप्रदाय से। हमें जिन शासन से जुड़कर रहना चाहिए, ना कि किसी संप्रदाय से। संप्रदाय में दीक्षित होना मेरी मजबूरी हो सकती है, लेकिन संप्रदायवाद को मानना मेरी कोई मजबूरी नहीं हो सकती। मेरा रंग काला है या गोरा है यह मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मैं अपने दिल के भावों को तो उज्जवल रख सकता हूं, यह मेरे हाथ में है। कुछ चीजें हैं जो मेरे दायरे में नहीं है, कुछ चीजें हैं जो मेरे दायरे में है, उस दायरे का इस्तेमाल करना चाहिए और महावीर को आगे रख करके चलना चाहिए। अहिंसा मां से भी किस तरह बदलवाया, मां को भी गजरा हटवा दिया, एक बालक ने, 5 साल के बालक ने अहिंसा ये बताया कि मां हर फूलों में प्राण है, मां हर फूल पौधे की शोभा है, मां किसी की शोभा लुटवा कर अपनी शोभा बढ़ाना कोई अच्छी बात नहीं है, किसी को बर्बाद करके खुद की आबादी के सपने देखना मां अच्छी बात नहीं है। क्या छोटा सा बालक एक गजब की प्रेरणा देता है।
पक्षियों को उड़ा करके स्वतंत्रता का संदेश देता है कि किसी को पिंजरे में डालना अच्छी बात नहीं। और यह हमारे लिए भी सबक है। गुरु धारणा के आधार पर मैं अगर आपको अपने से बांध के रखूं तो मैंने भी आपको पिंजरे में डाल लिया है कि मेरे अलावा तुम कहीं मत जाना, मेरे अलावा किसी को मत मानना। ये संत समाज भी अपने श्रावकों को पिंजरे में डाल रही है, बल्कि उसको ये मानना चाहिए कि कोई भी जैन संत मिले, साध्वी मिले, सबका सम्मान करो। ये स्वतंत्रता का संदेश हमको देना चाहिए। क्रियाओं के आधार पर समाज को बंटवारा करने का पाप हमें कभी नहीं करना चाहिए। जो जितनी भाव से क्रिया पालेगा उसका फल उसको मिलने वाला है। ये पता नहीं ईमानदारी है तो समय का प्रभाव है, समय का प्रभाव है। क्योंकि आप ये देखिए, भगवान महावीर के निर्वाण के बाद शायद 12 वर्ष के बाद ही पंचम आरा लग गया था। तो इसका मतलब निकट था, उसका प्रभाव आने लग गया था। प्रभाव था क्योंकि ये जब जो कुछ मैं नजारा देख रहा हूं, पढ़ रहा हूं, ढूंढ रहा हूं, पता चलता है कि उस समय भी मानसिकता किस तरह की हुआ करती थी। तो अहिंसा के बाद अनेकांतवाद का एक सुंदर उदाहरण उपाध्याय श्री जी ने अपनी कथा में भी दिया था कि एक बार बालक वर्धमान 7 मंजिले भवन की 4th मंजिल पर ध्यानस्थ थे। वो ध्यान में बैठ जाते थे क्योंकि संस्कार है जन्म जन्मों के। 1,60,000 मांस खमन का प्रभाव तो नजर आ ही रहा है। आप ये देखो क्या बोल रहा हूं मैं, 1,60,000 मांस खमन का मतलब जानते हो आप कि उन्होंने इतने समय तक शरीर का ध्यान नहीं किया होगा। क्योंकि शरीर का ध्यान कब जाता है, जब हमें भूख और प्यास लगती है ना। भूख लगने का मतलब मेरा ध्यान शरीर पर गया। अगर कोई मांस खमन कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि मैंने इतने समय तक के लिए शरीर से संबंध तोड़ देना है, क्योंकि ना मैं खाने की सोचूंगा ना मैं पीने की सोचूंगा। आत्मस्थ रहूंगा, आत्म रमन करूंगा, आत्म भाव में रहूंगा। इसलिए मैं जितने भी तपस्वी हैं, मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि जब उपवास करो, पर करे क्या, अब है ही झंझट ऐसा, उपवास खुद करके रखते, रसोई बनाते रहते और बढ़िया। और कई बार तो कई लोग कहते हैं कि माँ तू व्रत में बढ़िया रसोई बनाती है, भोजन बड़ा टेस्टी बनाती है। अब वो तो मैं रोक नहीं सकता क्योंकि तुम्हारा अपना कर्तव्य हो सकता है, लेकिन ऐसा कहीं विधान नहीं है कि आप साधना में रसोई पकाओ, लेकिन मजबूरी हो सकती है आपकी, ये कहीं विधान नहीं है। आप एक आसने में हरी नहीं खाते लेकिन आग जला करके रोटियां बना लेते हो, ये कभी भी तुम सोच नहीं पाते होंगे। अगर उपवास किया है तो रसोई नहीं बना सकते आप, लेकिन आपकी व्यवस्थाएं ऐसी होंगी क्योंकि परिवार छोटे हो गए हैं, सब काम आपको करने हैं। जितना भी कर ले तो ठीक है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन जरूर एक चीज जरूर सोचना चाहिए, अगर पॉसिबल हो सकता है रसोई अगर कोई आपकी जगह, और ये घर में भी एक होना चाहिए कि इन्होंने उपवास किया हुआ तो इनकी जगह आज काम मैं कर लूंगी। और कभी कभी तुम भी कर लिया करो, इनका उपवास हो तो रसोई तुम भी बना लिया करो कभी कभी। ना जी, हम तो कमाने वाले हैं, खिलाने वाले तो यही है, बनाने वाले यही है, लेकिन ये भाव ही नहीं आते होंगे आप लोगों के दिमाग में कि हमें ऐसा भी करना चाहिए। ये भाव तब आते जो आत्मा गवेशी हो, आत्मा में रमन करने के भाव पैदा हो, तब ये भाव आते हैं। वैसे हर किसी में भाव नहीं आते, ना तुम्हारे अंदर भाव आएंगे कि इनका उपवास है तो इनकी मैं हेल्प करूं, इनको ज्यादा आरंभ समारंभ ना करने दूं, साधना करो, ध्यान करो, एकांत में रहो, मौन करो,
ना बन करके ध्यानस्थ हो जाओ, तुम्हें ज्यादा आरंभ समारंभ में पढ़ने की जरूरत नहीं। ये जो परिवार है ना, परस्पर ग्रह जीवानाम, एक दूसरे के सहयोग से चलता है, तो साधना भी एक दूसरे के सहयोग से चलती है। हमारे यहां विधान है और पांच चरित्रों में एक चरित्र है कि जहां पर कुछ संत ऐसे थे जो सेवा करते थे, कुछ संत ऐसे थे जो तपस्या करते थे, कुछ संत ऐसे थे जो प्रवचन करते थे, एक दूसरे में सहयोग दिया करते थे। वो क्या व्यवस्था थी शासन की, तपस्या वाला तपस्या में लगा हुआ, सेवा वाला सेवा में लगा हुआ है, और प्रवचन वाला प्रवचन में लगा है। और ये भी देखिए, घूम फिर करके जब बारी आनी है तो प्रवचन वाला भी तपस्या करेगा, सेवा करने वाला भी प्रवचन करेगा। क्या व्यवस्थाएं थी, हम कभी जाते ही नहीं है वहां तक, पहुंचते ही नहीं है, क्योंकि हम संवेदनशील नहीं रहे, संवेदनहीन होते जा रहे हैं, एक दूसरे का दर्द ही नहीं समझ पाते, एक दूसरे को सहयोगी कैसे बना जाता यह नहीं सोच पाते। तो चौथी मंजिल में ध्यानस्थ बैठे हैं प्रभु बालक वर्धमान। आ गई बाल मंडली, नीचे मिल गई मां त्रिशला, और त्रिशला का चेहरा इतना प्यारा था, इतना वात्सल्य था कि बच्चों को देख करके उनकी आंखें खिल जाती थी, चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती थी। और इतना प्यार जब बच्चों को मिलता था तो कौन किसको बुरा लगे, और इतने दिल खुल चुके थे, आसपास के बच्चों को कहा कि मां वर्धमान कहां, मां वर्धमान कहां, मां ने कहा ऊपर, टक 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 ऊपर चले गए, सबसे ऊपर वहां बैठे बाप जी यानी पिताजी, पिताजी यानी राजा, ऊपर मिले राजा सिद्धार्थ। हैं, हम तो वर्धमान से मिल आए थे, यहां तो पिताजी बैठे हुए, पिताजी नमस्कार। हाँ, वर्धमान कहा नीचे है, और वो नीचे पहुंचे फिर मां मिल गई, मां वर्धमान कहा ऊपर, क्या मजाक बना रखा है, ऊपर वाला कहता नीचे, नीचे वाला कहता ऊपर। ओ, तब त्रिशला ने एक फार्मूला दिया कि ऐसा करो, तुम सीधे ऊपर चले गए होंगे है ना, एक एक मंजिल में देखते हुए जाओ, वो कहीं ना कहीं बैठे हुए मिल जाएंगे। हाँ, क्योंकि बच्चे पहले सरल होते थे, दिमाग अपना कम लगाते थे, आजकल दिमाग ज्यादा लगाते और ज्यादा ही लगा लेते हैं, कभी कभी तो लोग हमारी बातों के ऊपर ही ज्यादा दिमाग लगा जाते हैं, मैं कहना कुछ चाहता हूं समझ कुछ और ही जाते हैं, जैसी सोच मेरे से विचार आते हैं। अब वो गए चौथी मंजिल में, मिल गए वर्धमान, ओए होए तुम यहां बैठे हो, हाय थक गए, क्या हुआ, पहले ऊपर गए, ऊपर मिले पिताजी, उन्होंने कहा नीचे, पहले मां मिली, मां ने कहा ऊपर, ऊपर मिले पिताजी, कहा कि नीचे, नीचे गए तो मां ने कहा ऊपर, हमने कहा कि कैसे, कि एक एक देखते जाओ। अरे इतना तंग नहीं करना चाहिए दोस्त, पर लेकिन एक बात समझ में नहीं आई वर्धमान, ये बड़े लोग झूठ क्यों बोलते हैं, कहा कि क्यों झूठ, क्या बोला, मां ने कहा ऊपर, पिताजी ने कहा नीचे, है ना दोनों झूठ, दोनों अपनी जगह सही है, कैसे, सुनो, मां ने कहा ऊपर क्योंकि मैं मां से ऊपर था, मां ने कोई गलत नहीं कहा, क्योंकि मां नीचे है तो मैं चौथी मंजिल पर हूं, मां से तो ऊपर ही हूं ना, हां ये तो बात ठीक है, तो पिताजी ने कहा नीचे क्योंकि मैं उनसे नीचे हूं, क्योंकि वो सातवीं मंजिल पर हैं और मैं चौथी मंजिल पर हूं, मैं उनसे नीचे हूं, दोनों ही गलत नहीं है, दोनों अपनी अपनी जगह। देखा, ये बालकपन के अंदर ही एक संदेश दे दिया था बालक वर्धमान ने, इसको कहते स्यादवाद, इसको कहते अनेकांत वाद। अब बचाओ, मैं संत होकर के मैं ये कहूं कि मैं ही सही हूं बाकी सब गलत हैं, ये अनेकांतवाद है या एकांतवाद है, बोलो ना,
मेरे अलावा कोई संत नहीं है ये कहूं तो एकांतवाद है या अनेकांतवाद है? मैं ही सही हूं ये कट्टरवाद है, यही आतंकवाद है, यही एकांतवाद है। इसलिए कहा कि गहर गृहस्थ में, संत जीवन में, सामाजिक व्यवस्थाओं में अगर संतुलन बनाना है तो अनेकांतवाद को अपनाना ही होगा। नहीं तो आदमी के अंदर जो ईगो होती है ना, वो ईगो एकांतवाद की तरफ लेके जाती है। ईगो, ईगो को, क्योंकि पत्नी कहती है मैं ही सही हूं, आदमी कहता है कि नहीं मैं ही सही हूं। यार कमाल की बात है, तुम दोनों भी तो सही हो सकते हो। एक दूसरे को महसूस कीजिए ना, एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए, तुम दोनों ही सही हो सकते हो। लेकिन ये समझने के भाव कब आते हैं? जब प्रेम होता है। ईगो नहीं होती जहां, जहां अहंकार नहीं होता वहां ये समझ में आता है कि बंदा कोई कह रहा है तो कोई ना कोई लॉजिक तो होगा, कोई ना कोई कारण तो होगा, कोई ना कोई वजह तो होगी। ये वजह पैदा दी है और ये मैत्री भाव को पुष्ट करने के लिए, क्योंकि जो अहंकारी है वो डायरेक्ट किससे जुड़ा हुआ है? किससे जुड़ा हुआ है? मोहनीय कर्म से जुड़ा हुआ है। चाहे वो क्रोधी है, चाहे वो अहंकारी है, चाहे वो मायावी है, चाहे वो लोभी है, वो सीधा डायरेक्ट मोहनीय कर्म से जुड़ा हुआ है। और जो मोहनीय कर्म से जुड़ा हुआ है वो या तो क्रोधी हो जाएगा, या अहंकारी हो जाएगा, या मायावी यानी छल कपट करने वाला हो जाएगा, या कंजूस या लोभी या लालची हो जाएगा। लेकिन जो मैत्री भाव से जुड़ गया यानी प्रेम से जुड़ गया, मैं तो एक बात कहता हूं, हर समस्या का हल अगर कोई है तो प्रेम है, मैत्री भाव है। एक बार प्रयोग करके देखा करो। और हर समस्याओं का कारण अगर कोई है तो अहंकार है। हर समस्याएं, इसलिए कहता हूं कि घर गृहस्थी चलानी हो तो ये प्रेम से चलती है। मुझे वो उदाहरण बड़ा प्रिय लगता है, इससे बीच में बोलना पड़ रहा है मुझे। आपने सुना भी होगा, एक नौजवान 25 साल का पढ़ लिख कर आया है काशी विश्वविद्यालय से, अपने घर में पहुंच गया। पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया, उसके दिमाग में एक बात आई, इस वक्त मैं चौराहे पर हूं यानी बीच में हूं, मैं इधर भी जा सकता हूं उधर भी जा सकता हूं, पर जाऊं किधर? उसके मन में यह आया कि मैं साधु बनूं या गृहस्थी बनूं। एक भाव पैदा हुआ कि मैं साधु बनूं या गृहस्थी बनूं, क्योंकि इस समय वो बीच में है। मैं साधु बनूं या गृहस्थी बनूं? उन्हें बड़े बुजुर्गों से पूछा, कई उन्हें कहा भाई जो तेरे मन में आए वो बन। कहे नहीं, ये नहीं, मुझे समाधान दो, मैं क्या बनूं? तो एक बुजुर्ग ने कहा, भाई तेरी सवाल का जवाब एक ही बंदा दे सकता है, और उस बंदे का नाम है कबीर साहब। क्या है? कबीर साहब, वही दे सकते हैं तुम्हारी बात का जवाब। वो ढूंढते ढूंढते पहुंच गए, तो जुलाहे का काम था, वो काम कर रहे थे। उस नौजवान ने कहा, बाबा जी नमस्कार। आंखें जब दोनों की मिली आपस में तो कबीर साहब ने मुस्कुरा करके उनका अभिवादन किया और कहा कि पधारो। बैठ गए। कबीर साहब ने इशारों में पूछा, किस वजह से आए? तो जवाब दिया, बाबा जी मैंने शिक्षा पूरी कर ली है, पढ़ाई पूरी कर ली है, अब मैं सोच रहा हूं मैं गृहस्थी बनूं यानी शादी करूं या साधु बनूं। ये सुनते ही प्यार से देखा और काम करने लग गए, जवाब कुछ नहीं दिया। अजी 20 मिनट हो गया, आदमी बड़ा बेचैन रहता है, वो चाहता है कि जो सवाल करूं उसका जवाब मिल जा। 20 मिनट हो गए, वो अपने काम में लगे, तो युवक ने उनको, उनके पांव को छुआ, कहा बाबा जी मैंने कुछ पूछा। फिर इशारा किया, क्या? मैं शादी करूं या साधु बनूं, गृहस्थी में जाऊं या साधु बनूं।
फिर अपने काम में लग गए। वो नौजवान ने सोचा ये बाबा कुछ है नहीं, मजे वाली बात नहीं यार, सुनता तो बड़े प्यार से लेकिन जवाब कुछ देता ही नहीं, काम में लगा देता है। मैं तीसरी बार पूछा आपने जवाब देना या नहीं देना, मैं इतनी दूर से आया जवाब दो ना, फिर काम में लग गए। लेकिन बीच में बड़बड़ाने लगे, इतना अंधेरा हो गया है कोई समझता नहीं है, मैं इस अंधेरे में काम कैसे करूं। उस समय दिन के 12 बज रहे थे, सूरज का प्रकाश वहां आ रहा, उसने क्या सुना अपने कानों से नौजवान ने कि अंधेरा हो गया है काम कैसे करूं। ओ तेरे की, मुझे पहले थोड़ा सा डाउट था लेकिन अब पक्का हो गया कि बंदा पागल है। इतने में क्या देखा, कबीर साहब की घरवाली दिया जलाकर वहीं रख दिया। वो देखने लगा है दिया, दीपक, ओ तेरे की, मैं तो सोचा था अकेला ही बंदा पागल है, यहां तो ये भी पागल। अबे मैं कहां फंस गया, ये तो दो पागल निकले, या तो मैं सोचा था एक ही पागल या तो दोनों ही पागल। और छोड़ ना मुझे क्या ले, ओ बाबा जी जवाब दो ना, मैं शादी करूं या सन्यासी बनूं साधु बनूं। मुस्कुराए, खड़े हो गए, उसका पकड़ा हाथ हैं, पकड़ के चल पड़े। यार जवाब नहीं दे रहे, हाथ पकड़ के चल पड़े। पहुंच गए एक पहाड़ी, पहाड़ी के नीचे एक टीला था, टीला पहाड़ी थी, छोटी सी पहाड़ी थी। नीचे से आवाज दी कबीर साहब ने, बाबा जी कबीर आयो है। ऊपर से झोपड़ी में से एक बाबा निकला जिसकी उम्र बहुत लंबी है, बदन झुका हुआ है। ऊपर से आवाज दी, कबीर कोई बात नहीं मैं आ रहा हूं। वो नीचे आए, लट्ठी टेकते 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 जैसे पास पहुंच, बोल कबीर, ओ बाबा जी मैं तो भूल गया, क्या पूछना था भूल गया। ओ कोई बात नहीं, ओ कोई बात नहीं, बाबा पहुंच गया वापिस। हाँ बाबा जी आ गए याद, नीचे आओ। बाबा जी फिर आयो, फिर बोला, बाबा जी मैं तो भूल गया। नौजवान का दिमाग यार समझ में नहीं आ रहा। बाबा जी चार बार आयो, चार बार गयो। कबीर साहब नौजवान को बोले, समझ में आई क्या, दिमाग में नहीं है ना, इसलिए तो किताबी ज्ञान होना एक अलग चीज है, लेकिन उसके रहस्य में जाना एक दूसरी बात है। कबीर साहब ने कहा, समझ में आया, क्या समझाया? उन्होंने कहा, समझ में आया। नौजवान बोला, क्या समझाया? समझाया कुछ नहीं है? मेरे सवाल का तो जवाब नहीं। ओह, अब मुझे लगता मुंह से ही बोलना पड़ेगा। कबीर साहब ने कहा, अगर शादी करनी है तो भैया मेरी जैसी कर ले। तुम्हारी जैसी मतलब कि देख, मैंने दिन के 12 बजे धूप के उजाले में ये कहा कि देख मैं अंधेरे में काम कर रहा हूं, कोई मेरी चिंता क्यों नहीं करता? तो मेरी पत्नी ने बिना कोई जवाब दिए दिया जलाकर ले आई। अगर कोई हो, अगर तुम होती तो क्या करते बताना जरा। मैं थारो दिमाग खराब हो गया, कोई दिमाग फिर गया तुम्हारा, तुम्हें समझ में नहीं आवे, तुम्हारा कुछ इलाज करवाओ, दिमाग का इलाज करवाओ। कोई जिरहबाजी नहीं, अगर विवाह करना है तो इतनी अंडरस्टैंडिंग हो। इसलिए कोई भी मेरे पास कोई विवाहित नया जोड़ा आता, मैं किसी को यह नहीं कहता तुम समाई करो,
किसी को नहीं कहता तुम माला फेरो, मैं एक ही बात कहता हूं कि एक दूसरे को समझने की कोशिश जरूर करना, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग जरूर बना के रखना। ये रिश्ता, घर गृहस्थी का रिश्ता अंडरस्टैंडिंग से चलता है, एक दूसरे को समझने से चलता है। समायिक करने से नहीं चलेगा, माला फेरने से नहीं चलेगा, एक दूसरे को महसूस करने से चलेगा यह रिश्ता। और हमें इस बात पर ही जोर देना चाहिए कि अगर गृहस्थी करनी है तो मेरी जैसी कर, जहां तर्कबाजी नहीं, कोई जिरहबाजी नहीं, जो कह दिया वो समझ गए। कहने को तो मेरी पत्नी भी कह सकती थी, क्या हो गया जी आपको, पर वो ये जानती कि जरूर कुछ ना कुछ रहस्य है जो मैं नहीं जानती। लेकिन अगर अंधेरा कहा है तो अंधेरे का इलाज तो दिया होता है। ओ यस। और ये जो अभी मामला था न, कि इसका मामला ये है, अगर साधु बनना है तो इतना सहनशील बन कि वो इतनी बड़ी उम्र में 4 बार नीचे आए, 4 बार ऊपर गए, लेकिन उस फकीर के चेहरे पर तुमने शिकन देखी, क्या वही मुस्कुराता हुआ चेहरा, मतलब 4 बार में कोई भाव बदले नहीं। तो साधु बनना तो ऐसा बनना, अगर तेरे अंदर इतनी सहनशीलता हो तो साधु जीवन का आनंद ले। नौजवान बोला, हमें तो दोनों ही मुश्किल लाग गए हैं। फिर थारे मन में आवे वो करो रे। तो मेरे कहने का भाव ये है कि जीवन में कोई अधूरापन मत रखिया। तुम भी अधूरे हो और हम भी अधूरे हैं, बिना अंडरस्टैंडिंग के आप भी अधूरे हो और बिना सहनशीलता के हम भी अधूरे हैं। और इसके बीच में एक ही लॉजिक लगता है, संवेदनशीलता। बस आपके अंदर संवेदना होनी चाहिए, हर रिश्ता चलेगा। इसलिए कहते हैं कि कल्याण ना गृहस्थी होने से होता ना साधु होने से होता है, जिसके अंदर संवेदना है कल्याण उसी से होता है। तो ये जब संदेश दिया, बालक समझ गए कि यहां कोई गलत नहीं होता, आग्रह गलत होता है। क्या बोला मैंने, गलत कोई नहीं होता, गलत आग्रह होता है, और आग्रह अहंकार से पैदा होता है। एक और घटना, कि एक बार अपने दोस्तों के साथ, उम्र उनकी बड़ी हो गई है, 14-15 साल के हो गए हैं वर्तमान, अपने दोस्तों के साथ वन भ्रमण के लिए गए, जंगल में घूमने के लिए गए। तो जंगल की सुरम्यता, हरियाली, वहां के सौंदर्य का पान कर रहे थे, वहां की हरियाली का अनुभव कर रहे थे, वहां की शीतलता का अनुभव कर रहे थे। तो कुछ नौजवान हरी घास के ऊपर दौड़ लगा रहे थे। तो वर्धमान ने बड़ी एक गहरी बात कही, ए इधर आओ, जब सूखी जमीन है तो दौड़ इस पे भी लगा सकते हो, तुम इस हरी घास पर क्यों चल रहे हो? हैं? हरी घास पर चलने से आंखों की ज्योति बढ़ती है, ये तुम लोग भी यही कहते हो, और तुम्हारी आंखों की ज्योति बढ़नी चाहिए, चाहे उनकी ज्योति खत्म हो जाओ, तुम्हारी आंखों की ज्योत बढ़नी चाहिए चाहे वो अंधे हो जाओ। आदमी स्वार्थी बहुत है ना, और ये तो हरी घास, इसमें क्या है कि देख, चेक करो, जहां जहां तुमने पांव रखे हैं वहां वो दब गई है, और वहां पर तुम देखो वहां पानी पानी कुछ हुआ है, ये जो दबी है और इनका जो पानी निकला है ये इनका खून है, खून, इनको भी चोट पहुंचती है। हाँ, हाँ। इतने में वो समझा ही रहे थे, इतने में एक पक्षी घायल होकर के उनके सामने आकर के गिरा, और जैसे पक्षी घायल था, तीर लगा, मतलब घायल था, तीर नहीं था, घायल था और खून बह रहा था, तो एकदम लपके वर्धमान एकदम उस पक्षी को उठाया
और उसको कुछ पुचकारने लगे, सहलाने लगे और उस घाव को देखकर सिहरने लगे। कहा कि इसको किसी ने चोट मारी है, देखो कौन है। तो झाड़ियों के पीछे एक चंड नाम का भील युवक था, उसको देख लिया, उसको लिया है। उसके हाथ में गुलेल थी, गुलेल, गुलेल समझते हो, आपने कभी देखा हो, कंकड़ डाल करके फिर मारते निशाना साध करके। जैसे वर्धमान को देखा, पता लग गया कि राजकुमार है, तो डर के मारे कांपने लगा चंड। कहा तो चंड, तुम मेरे से डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन देखो ये कितना दर्द में है, इसके दर्द को अनुभव करो। फिर पता नहीं क्या टेक्निक अपनाई वर्धमान ने, जो उस पक्षी को दर्द हो रहा था ना, वो दर्द उस चंड को होने लगा, उस भील को होने लगा, वो दर्द, जो दर्द उसको हो रहा था। और जैसे वो दर्द हुआ तो कराहने लगा, रोने लगा। चंड क्या हुआ, बहुत दर्द हो रहा है, ये दर्द इतना इसको भी हो रहा है, तूने चलाने को तो निशाना लगाने के लिए निशाना लगाया या इसको खाने के लिए तुमने खाया, लेकिन चंड जैसा दर्द तुमको होता ना, ऐसे ही दर्द इनको भी होता है। और दर्द देने की वजह से तेरे अंदर डर पैदा हुआ है, तुझे ये पता था कि राजकुमार कहीं मुझे दंडित ना करें, इसलिए तू डर रहा है ना। अगर तूने ये काम ना किया होता तो तुझे डरने की जरूरत नहीं पड़ती। दर्द देने वाला, डराने वाले को डरना ही पड़ता है और दर्द देने वाले को दर्द लेना ही पड़ता है। इस दर्द को अनुभव कर, जिंदगी में ये दर्द पाना चाहता है तू दोबारा? नहीं, वही गुलेल तोड़ दी और एक संकल्प लिया कि आगे से मैं कभी किसी पक्षी को निशाना, ये एग्जाम्पल। लौट करके आ रहे हैं, देखिए क्या नजारे हैं उनके, लौट करके आ रहे हैं। नगर में प्रवेश करने लगे अचानक तो कुछ लोग खड़े हुए थे, वाह, तो जैसे ही राजकुमार के रथ को देखा तो लोग छिटक छिटक कर भाग करके दूर हट गए। तो रथवान से पूछा, ये लोग इस तरह डर के मारे अलग क्यों हट गए? कहा कि ये अछूत है, अछूत यानी छोटी जाति के हैं, कहीं ये आपको ना छू ले, क्योंकि इनको अछूत माना जाता है, समाज इसको छूता नहीं है। क्या रथ रुकवा दिया, जो छिटक छिटक कर गए थे आदमी और बालक, कहा इधर आओ, इधर आओ। डरते डरते आए, डरो मत, मेरे में और तुम्हारे में कोई अंतर नहीं है। उनको सहलाने लगे, उनको छूने लगे और कहा चलो मेरे रथ में बैठो। वे रथ में, हाँ ये रथ भी तुम्हारा है, मैं भी तुम्हारा हूं, तुम भी हमारे हो, मेरी मेरे पिता की प्रजा हो तुम, इस नगर का राजकुमार हूं मैं, जितने पिता तुम्हारे हैं उतना मैं भी तुम्हारा हूं, तुम भी हमारे हो, तुम हमारे ही हो, बैठो इसके ऊपर। रथ में बैठा लिया उनको, जितने कोई ब्राह्मणवादी सोच थी जिनके पास, मनुवादी सोच थी जिनके पास, जो जात और पात को माना करते थे, उन्होंने कहा ये क्या, वर्धमान ने इनको अपने रथ में बैठा लिया, निंदा करने लगे। तब वो सबको बुला लिया, कहा कि ये भी इंसान हमारी ही तरह, अछूत समझोगे तो तुम भी इन्हीं श्रेणी में आ जाओगे कभी ना कभी।
इन्होंने भी कभी ना कभी किसी को अछूत समझा था, तुम जब उच्च जाति के थे तो ये भी अछूत बन गए, और तुम आज इनको अछूत समझोगे तो तुम्हें भी इसी दायरे में आना पड़ेगा। यह है भगवान महावीर का बचपन का या किशोरा अवस्था में साम्यवाद, समानता। ये कहां समझेंगे छद्म राष्ट्रवादी लोग जो जात और पात के चक्कर में पड़े रहते हैं, जो हिंदू और मुसलमान, ईसाई, जैन और बौद्ध के चक्कर में पड़े रहते हैं, वो कभी नहीं समझ सकते जीवन की सच्चाई को। मानवता आत्मा में वास करती है, रंग और रूप और जात पात में वास नहीं करती। हे प्रभु, तुम वास्तव में महान थे, तुम वास्तव में महान थे। आपका सोचने का तरीका, आत्म दृष्टि आपकी, और मैं बतलाना ही चाहता हूं, जब तक हमारे में तुम्हारे में भेदभाव रहेगा, हम कभी सम्यक दृष्टि नहीं बन पाएंगे। याद कर लीजिएगा, जब भी कहीं पर भी किसी भी दृष्टि में हमारे अंदर भेदभाव आ गया, हम सम्यक दृष्टि नहीं बन पाएंगे। समय आपका हो गया।